दोस्तों डेली कम्यूटिंग के लिए, जैसे ऑफिस जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, या फिर अपने जो बिजनेस वगैरह कर रखा है वहाँ जाने के लिए, डेली कम्यूटिंग की बात है कि आसपास फ्रीक्वेंट आप विजिट करते हैं या अपने शहर में आप फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं और आप बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमें एक गाड़ी लेनी चाहिए जो कि हमें डेली कम्यूटिंग या बाइक को रिप्लेस कर सके और खर्चा भी उसका काफ़ी कम हो। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली मैंने आप ही के लिए बनाई है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी कारों के बारे में जो कि आपको बहुत ही अच्छी माइलेज प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं इन तीन गाड़ियों के बारे में तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें, और इनके कुछ अल्टरनेटिव भी मैं आपको बता दूंगा कि इसके अल्टरनेटिव में आप ये गाड़ियां भी ले सकते हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से और कम्प्लीट एंड तक देख के जाना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहली गाड़ी की, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको माइलेज देखनी है तो मारुति की गाड़ी पे ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी सिलेरियो, जिसमें आपको 34.5 तक का जो माइलेज है वो मिल जाता है सीएनजी में। और अगर आप पेट्रोल में लेते हैं तो दोस्तों पेट्रोल में भी ये गाड़ी कम नहीं है, पेट्रोल में भी आपको 26 से 27 का माइलेज यहाँ मिल जाता है। इस गाड़ी के एक्सोरूम प्राइस की बात करूँ तो 5,37,000 से ये गाड़ी स्टार्ट होती है और 7,09,000 तक आपको इसका एक्सोरूम प्राइस मिल जाता है न्यू दिल्ली में। अगर इंजन की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 1 लीटर का K10C इंजन मिलता है, जो कि आपको 65.71 BHP के पावर प्रोड्यूस करके देता है 5,500 RPM पे, और 89 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और ये 3 सिलेंडर इंजन होने वाला है दोस्तों, जो कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों दूसरी गाड़ी है इसी लिस्ट में, वो है मारुति की स्विफ्ट। जी हाँ दोस्तों, मारुति की स्विफ्ट एक बहुत ही गुड लुकिंग कार है, और अब 2024 में इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों रिसेंटली महिंद्रा ने भी अपनी XUV300 को अपडेट करके लॉन्च कर दिया है XUV3XO के नाम से। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि अब जो है नई स्विफ्ट के चक्कर में लोग पुरानी स्विफ्ट को कम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो डिस्काउंट वगैरह काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करवा रही है और आगे और भी अच्छे प्रोवाइड करवाने वाली है। तो आप अगर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें नई स्विफ्ट लेनी है, नया मॉडल लेना है, तो फिर आप पुरानी स्विफ्ट पे जा सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। 6,24,000 से ये गाड़ी स्टार्ट होती है और 9,28,000 तक इस पर आपका टॉप वेरियंट आ जाता है एक्सोरूम न्यू दिल्ली में। तो गुड दोस्तों ये गाड़ी आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। और इस गाड़ी की अगर माइलेज की बात की जाए तो ये आपको पेट्रोल में मैनुअल में 22 से 23 का माइलेज प्रोवाइड करवाती है, और सीएनजी में दोस्तों 30 से भी ऊपर का माइलेज इसमें आप निकाल सकते हैं। सिलेरियो अगर आपको छोटी लगती है या सिलेरियो का जो लुक्स है वो आपको अगर पसंद नहीं आता है, आपको एक अच्छा साइलेंट 4 सिलेंडर इंजन चाहिए, तो आप स्विफ्ट के साथ दोस्तों जा सकते हैं। और इसी कैटेगरी में आपकी बलेनो भी आ जाती है, या फिर आप अगर फैमिली के लिए भी कार लेना चाहते हैं, ऑफिस के लिए भी कार लेना चाहते हैं, यानी आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप बलेनो पे भी जा सकते हैं, जो कि आप एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी आ जाती है, या फिर आप डिज़ायर पे भी जा सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा बूट भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, और ये उन लोगों के लिए है जो कि सेफ्टी के साथ साथ एक अच्छी ट्रैवल डेली कम्यूटिंग की गुड लुकिंग गाड़ी चाहिए। तो दोस्तों वो है आपकी टाटा की तरफ से प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में आपकी टाटा अल्ट्रोज भी शामिल है, क्योंकि टाटा अल्ट्रोज में आपको सीएनजी मैनुअल में 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाता है, और पेट्रोल की बात की जाए तो लगभग 19 से लेकर 20 का माइलेज आपको ये गाड़ी दे देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको माइलेज के लिए ही गाड़ी देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप इसका सीएनजी वेरियंट ही लीजिए, जो कि आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाता है, जिसमें आपको अच्छा खासा बूट भी मिल जाएगा। गाड़ी बहुत ही गुड लुकिंग है, 90 डिग्री डोर ओपनिंग है, जिसमें आपको इनग्रेस और आउटग्रेस बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर दोस्तों इस गाड़ी के कीमत की बात करूं तो ये आपको पेट्रोल में भी मिलेगी, सीएनजी में मिलेगी और डीजल में भी मिलने वाली है। तो 6,65,000 से ये गाड़ी एक्सोरूम न्यू दिल्ली में स्टार्ट होके 10,80,000 तक इसमें आपको इसका टॉप वेरिएंट मिल जाएगा। अगर आप इसको डीजल में कंसिडर करना चाहते हैं दोस्तों तो डीजल में भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन NCR रीजन में हैं तो ही आप कंसिडर कीजिए। ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपको 10 लाख में डीजल इंजन प्रोवाइड करवाती है, जो कि बहुत ही अच्छा इंजन है। और अब अल्ट्रोज रेसर भी आपको थोड़े ही दिन में देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑटो एक्सपो में उसको रिवील भी कर दिया गया था। यानी अल्ट्रोज रेसर्स जो स्पेशली एंथुजियास्टिक ड्राइवर हैं, जो स्पोर्ट्स एडिशन देखना चाहते हैं इस गाड़ी का, वो मॉडल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सिर्फ सीएनजी में ही इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक हैवी गाड़ी है और पेट्रोल में आपको थोड़ा अच्छा माइलेज यहाँ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ आपको XC CNG जो है इसका बेस वेरियंट, वो आपको मिल जाता है ऑन रोड 8,60,000 का,
और इसका टॉप वेरिएंट मिल जाता है आपको XZ प्लस OS CNG 12,39,000 का। तो अगर आप ये गाड़ी कंसीडर करना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं। XM प्लस CNG या XM S CNG जो है वो इसके काफ़ी अच्छे वेरिएंट हैं। गुड लुकिंग गाड़ी है, बिल्कुल सेफ गाड़ी है और ग्लोबल NCAP ने इसको बिल्कुल प्रूव भी कर रखा है कि ये 5-स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी है। अगर दोस्तों सिलेरियो के अल्टरनेटिव में अगर हम बात करें तो आप मारुति की ऑल्टो K10 भी देख सकते हैं, सेम इंजन आपको मिलता है। लेकिन अगर आपको ऑल्टो K10 का साइज छोटा लगता है या उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो फिर आपको सिलेरियो पे जाना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको डिज़ाइन से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको सभी गाड़ियाँ सेम लगती हैं या सेम आप उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर आप इसकी एस्प्रेसो पे भी जा सकते हैं। स्विफ्ट के अल्टरनेटिव मैंने आपको बता ही दिए। स्विफ्ट के अल्टरनेटिव में आप अगर प्रीमियम में जाना चाहें तो आप बलेनो ले सकते हैं, और अगर आपको बूट स्पेस वगैरह चाहिए, और भी ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए, फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए तो आप डिज़ायर भी जा सकते हैं। CNG के साथ भी जाएंगे तो भी उसमें अच्छा खासा बूट आपके लिए बच ही जाएगा। लेकिन अगर आप हैचबैक में CNG के साथ जाएंगे तो यहाँ आपको मारुति में बिल्कुल भी बूट स्पेस नहीं मिलने वाला, बिल्कुल मिनिमल सा मिलेगा। लेकिन अगर टाटा के साथ जाते हैं तो वहाँ आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल रही है तो वहाँ आपको अच्छा खासा बूट स्पेस बच जाता है काफ़ी इन कंपैरिजन टू मारुति। और दोस्तों अल्ट्रोज के कंपैरिजन में या इसके अल्टरनेटिव में अगर मैं आपको बताऊं कि आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते और फिर भी आप टाटा की ही गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर आपकी लिस्ट में होनी चाहिए दोस्तों टाटा टियागो। जी हाँ दोस्तों, टाटा टियागो ने अभी अभी एक नया वेरियंट भी लॉन्च किया है XM के साथ, तो XM पे भी आप जा सकते हैं जिसमें आपको अच्छे खासे वेरियंट मिल जाएंगे। प्राइस भी इतना नहीं है, CNG में अगर जाते हैं तो वो गाड़ी भी आपको अच्छी खासी माइलेज प्रोवाइड करवाती है। और अगर आपको एक SUV लुक चाहिए, आपको माइक्रो SUV चाहिए तो आप पंच के साथ भी जा सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। बेस वेरिएंट के साथ भी जाएंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ CNG ही प्रेफर कीजिए। अगर आपको पेट्रोल में लेनी है तो पेट्रोल में सिर्फ मारुति की एक गाड़ी आपको बहुत इकोनॉमिकल मिलेगी, लेकिन टाटा वगैरह की गाड़ियां जो है वो आपको पेट्रोल में इतनी अच्छी माइलेज प्रोवाइड नहीं करवा सकती। इवन ऑल्टो K10 जो है वो कई लोग मैंने देखा है, ऑल्टो K10 में लगभग 25 से 26 का माइलेज पेट्रोल में भी निकाल लेते हैं। और अगर दोस्तों बात करते हैं टाटा की, तो टाटा की गाड़ियों में पेट्रोल में इतनी अच्छी माइलेज नहीं मिलती जितनी मारुति में मिलती है, क्योंकि इसकी गाड़ियों का बॉडी वेट जो है वो काफ़ी होता है जिसकी वजह से माइलेज इतनी अच्छी निकल के नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी अगर आप सिटी कम्यूटिंग के लिए देख रहे हैं तो आप CNG में जा सकते हैं। और दोस्तों CNG में मैंने अपनी वीडियोज़ के नीचे कमेंट पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट पढ़े हैं, जो कि लोग 30 किलोमीटर पर KG का माइलेज यहाँ निकाल रहे हैं टाटा टियागो में, जो कि बहुत ही अच्छा माइलेज है, क्योंकि इतनी अच्छी और हैवी और सेफ कार होने के बावजूद भी आपको अच्छे खासे माइलेज मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी आपकी 3 कारें जो कि आप डेली कम्यूटिंग के लिए ले सकते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव भी मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं उनको ये जो वीडियो है वो हेल्प करने वाली है, जो भी डेली कम्यूटिंग के लिए ऑफिस जाने के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो AC की भी ज़रूरत है, और सिटीज़ में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, फिर बारिश का मौसम भी आता है, ठंड भी आती है। तो एक अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए गाड़ी मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप इन गाड़ियों में से ले सकते हैं, या फिर आपको कोई और गाड़ी है आपके दिमाग में और मैंने वो नहीं बताई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो दोस्तों बिल्कुल कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा मोटिव यही है कि आपकी हार्ड अर्न मनी को बहुत ही अच्छी जगह पे लगाना, यानी अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये ना हो कि आपका पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको हो सकता है उतनी अपना बेस्ट ट्राई करके, अपना बेस्ट ऑफ नॉलेज, बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस से आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, यानी आपको अच्छी राय देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।